कड़ी मेहनत फाइन उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय को ओके फाइन नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट फॉर द द डे इज नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट फॉर द डे इज ही बिल्ट ही बिल्ट फाइन स्टोन टेम्पल्स ही बिल्ट फाइन स्टोन टेम्पल्स सच एज सच एज द हजारा सच एज द हजारा रामा temple hazara rama temple hazara rama temple along with along with vittal swami along with vittal vittal swami vittal swami first shot first shot the unique feature the unique feature of these Temples. The unique features of these temples were were their entrances were their entrances slash gopurams were their entrances slash gopurams gopurams also known as also known as raya gopuram raya. गोपुरम राय मतलब किंग और जिनके जो गोपुरम होते थे ना ह्यूज बहुत ह्यूज थे और कि 13th, 14th, या सेंचुरी भी ले लें और उसके टाइम पे जो गोपुरम बनाए हैं दे आर जस्ट ब्रिलियंट गोपुरम्स रुको मैं तो मैं दिखाता हूं ठीक है गोपुरम फिर आगे चलते हैं गया। तो गोपुरम्स मतलब आप देखो एक चीज और कंफ्यूज मत करना

वैसे तो इसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा ये देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें ध्यान से दिखाई दे सकते हैं। ये देखो एक और चीज़ है इसके अंदर कल्याण मंडप इनके टेम्पल्स में कल्याण मंडप समझ आया मंडप एवरीबडी अंडरस्टैंड देखो कभी भी मंडप है ना मंडप को एक चीज ये समझ के चलो मंडप वो जगह है जहां पर क्या होती है शादी हाँ शादी तेरी भी वही कराएंगे हम देखे मंडप होता है जहां पे शादी होती है तो मंडप क्या एक हैप्पी ओकेजन की जगह है एक सेलिब्रेशन की जगह है तो हाँ कल्याणम चेन्नई एक्सप्रेस देखी है मतलब है ना राहुल मीना कल्याणम ठीक है तो अब पॉइंट यहाँ पर सिंपल सा ये है कि जो इनके ग्राया गोपुरम्स है वो तो ह्यूज है ही है ही साथ साथ में जो इनका कल्याण मंडप है कल्याण मंडप में क्या होता था ये जो गॉड एंड गॉडेस हैं गर्भगृह के अंदर उनकी शादी कराते थे सिंबॉलिक शादी कराते हैं तो वो चीज ये किसमें करते थे कल्याण मंडप में तो ये भी इनका एक यूनिक फीचर है राया गोपुरम प्लस योर कल्याण मंडप तो ये दो चीजें हैं जो इनके टेम्पल्स में हमें मिलती हैं जैसे ये टेम्पल हमने बारे में पढ़ा विठल स्वामी टेम्पल ठीक है ये देखो ये है सोचो ये टेम्पल जो बना है वो सिक्सटीन सेंचुरी में बना है और एक एक जो डिजाइन है दैट इज जस्ट मार्वलस ये देखो ये इंटीरियर है ये तो वैसे वो सलास का है इन्होंने इसमें डाल दिया ये हम्पी का ये क्लोजर लुक है इसका मतलब कोई ऐसी जगह छूट नहीं रही जहां पे कार्विंग ना हो हर एक पॉइंट पे कार्विंग है ये देखो आसपास हिल्स है और किस तरीके से पूरा का पूरा है ठीक चले आगे ओके सो so, राया गोपुरम्स एंड कल्याण मंडप एंड कल्याण मंडप इन जो टेम्पल है ना आंध्रा में जब तक मैं गया था लास्ट टाइम तक वो आंध्रा में था अब वो तो मुझे कंफ्यूज है कि तेलंगाना में या आंध्रा में ठीक है तिरुपति बालाजी ठीक है एंड तिरुपति बालाजी इज अ टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वर और लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो टेम्पल है वो भी कृष्णदेव राय के टाइम पे बना नहीं था लेकिन और ज्यादा डेवलप हुआ है बिकॉज लॉर्ड वेंकटेश्वरा इज वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ साउथ इंडिया तो उनके नाम पे वो टेम्पल बना है और एक टेम्पल आज घर जाके देखना और एक और टेम्पल है जिसके अंदर बीचों बीच से बिल्कुल सनलाइट जाती है मुरुदेश्वर उसका गोपुरम जो है साउथ तो इंडिया के टेम्पल जो है ना वो तो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडियन टेम्पल्स रीजन 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 नहीं नहीं होता ना ठीक है चले आगे हजारा रामा विजयनगर एम्पायर डेवलपमेंट ठीक है उस स्टार्टिंग एंड खत्म इसके टाइम पे हो रहा है खत्म भी नहीं हो रहा मतलब उसमें एडिशन होते हैं जैसे कुतुब मीनार है कुतुब मीनार का जो फर्स्ट वाला है वो बनाया कुतुब्दीन ऐबक ने उसके बाद जो कंप्लीट करा वो करा अल्तमश ने शमशुद्दीन अल्तमश और उसके बाद जो उसको एडिशंस करे वो फिरोशा तुगलक और ब्रिटिशर्स दोनों ने करे तो उसी तरीके से है तो so, हजारा राम स्वामी टेम्पल जो है विजयनगर एम्पायर में एक होता है ना कि पहले छोटा था लेकिन अब किंगडम और बड़ा हो गया है, तो उसको किंगडम की पावर को दिखाने के लिए इन्होंने टेम्पल को और ज्यादा बेटर और बड़ा बना दिया तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग दिस ठीक ओके लास्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट इज ही ही रिस्पेक्टेड ही रिस्पेक्टेड ऑल all the religions he respected all the religions all the religions and and there was the presence and there was the presence of there was the presence of eight there was a the presence of eight eminent eight eminent telugu स्कॉल एट एम एन एंट तेलुगु स्कॉलर्स इनहस कोट एट एम एन एंट तेलुगु स्कॉलर्स इन हिस्स कोट नोन एज अष्ट दिग्गज नोन एज अष्ट दिग्गज दिग्गज का मतलब होता है पीपल हु आर वेरी स्पेशल हुआ समवन हु आर एक्सपर्ट इन दियर फील्ड

नहीं सुना तेनाली और नेम विलेज और साउथ इंडिया में अपने विलेज का नाम ऐड करना बहुत कॉमन है पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है ठीक तो उस तरीके से नहीं ये बात गांव का नाम ऐड करना बहुत वो है कॉमन चीज है मतलब तो मेरे एक फ्रेंड का नाम है ही इज फ्रॉम जगह का नाम भी थोड़ा दो तीन सेकंड लग जाते हैं मुंह जबान तक आते आते कर पल्ली एंड दैट इज अ प्लेस इन केरला कोट्टम ठीक है कोल्लम कोट्टम कहीं तो है वो जगह अब उसने उसका नाम छोटा सा रख रखा है बाकी नाम उसका इतना बड़ा। उसने गांव का नाम भी है उसके जो जो एरिया है लोकेलिटी उसका नाम भी ऐड कर रखा है तो तीन चार नाम और ऐड कर देते हैं लोग तो इस तरीके से तो वही चीज यहां पर भी है तनाली रामन ठीक है ओके फाइन फुल

समझ तो आई आंध्रा कविता मतलब कि जो आंध्र प्रदेश है देखो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है तेलुगु तमिलनाडु अंडरस्टैंड कि तमिल है कर्नाटका की कन्नड़ है और उसी तरह आंध्र और तेलंगाना की लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु और दो अलग अलग लैंग्वेज है टुल्लू एंड तेलुगु ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस है किस किस को लग रहा था सेम है टुल्लू सुना ही नहीं है टुल्लू इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन लाइक यू कैन से गोवा की तरफ बोली जाती है थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है लेकिन टुल्लू एंड तेलुगु दे आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ठीक इस तरीके से क्योंकि आज तक बच्चों को बहुत सारे क्लासेस में ये लगता था कि तेलुगु और टुल्लू जो है ना वो दोनों सेम लैंग्वेजेस हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो इस तरीके से ये जो है वो तेलुगु कविता के बहुत बड़े राइटर हैं अलसानी पेदाना ठीक है फुल कॉमा कॉमा his important work include his important work include manu chitram his important work include manu chitram manu chitram etc manu chitram etc bracket close first off the other the other important people were the other

तेनाली रामाकृष्ण एंड पिंगाली सुराना एक्सेट्रा राइट अबाउट कृष्णदेव राय अच्छा एक और तुम्हारा छोटा सा काम है क्वेश्चन लिख लो आई थिंक तुमने अगर लिखा है तो एक बार मुझे बता दो तो अगर लिखा है पहले तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिटन बाय कृष्णदेव राय नहीं लिखा हमने क्वेश्चन ना हमने लिखवा एक ही लिखवाया था ना आई थिंक मैंने और दो लिखवा दिए थे फिर तो ठीक है हो गया वैसे तो उनके एक और भी है जम्बावती कल्याणम अमुक्ता और उषा परि तो खुद से लिखना है वो ठीक है तीन मेजर टेक्स्ट है तो जस्ट इसके नीचे लिख लो के डी इंपॉर्टेंट सेल्फ रिटन टेक्स्ट राइट अब इन्होंने क्या करा है बहुत इंटरेस्टिंग एक और काम करा है कि पोर्चुगीज को ना बहुत कंट्रोल में रखा है ऐसा नहीं कि पोर्चुगीज को खुला हाथ दे दिया को खुला हाँ दे दे तो क्या होता खत्म हो जाता सब कुछ डिवाइडिंग ट्रेड एंड पायरेसी फॉर के सोल्जर्स थे उनके जो खुद के ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी बहुत कम थी तो दे यूज टू इन पायरेसी खासकर विजयनगर एम्पायर की तरफ और बंगाल की तरफ इसलिए इन्होंने पोर्चुगीज को भी बड़े कंट्रोल में रखा ठीक बिल्कुल आप देखो ना पोर्चुगीज द स्ट्रोंगेस्ट तो ऑफ नेवी और एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझने को कि पोर्चुगीज हॉर्सेस भी लेके आ रहे हैं ऑन पोर्चुगीज ऑल्सो डिफीटेड द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ दैट टाइम गुजरात एंड इजिप्ट ठीक है साथ साथ में इन सबको इसने हराया खासकर इजिप्ट और गुजरात जब इन दोनों को इसने हराया और अरब्स तीन लोगों को जब इसने हराया है तो ये समझ के जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है वो तो मेरा हो गया और जो मीजर ट्रेड है वो कौन करेगा मैं ही करूंगा अरब्स ने इसके कुछ कुछ शिप्स को कैप्चर करा इन्होंने क्या करा उनके शिप्स पे चढ़ के इनके शिप्स को जला दिया और सारा का सारा सामान भी ले लिया तो समझ रहे हो कि किस तरीके से इनके बीच में दो बैटल्स हुई थी 1509 और 1510, 1508 में और 1509 के अंदर ठीक है ये दो तो बैटल्स हुई थी बिटवीन द पोर्चुज एंड अदर पीपल क्योंकि सबका स्पेस तो एक ही था अरेबियन पेन अरेबियन सी वाला ट्रेड करने के लिए चार पांच लोग तो ऑब्वियसली फाइट तो होगी नहीं होगी घर में पिज्जा का पीस बचा है एक और खाने वाले हैं तीन तो लड़ाई घुड़ा ला लाजमी या फिर हम स्केल से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं उसको हा वहा बस वही चीज यहाँ पर है

तो इनको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लीव है मिल गया चले आगे ओके फाइन नेक्स्ट किंग सेकेंड लास्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर इसके बारे में हमें देखना है सेकंड लास्ट किंग देवर आया राइट नहीं नहीं ब्रदर था छोटा भाई था जरूरी नहीं है कि आपका सन ही आए देखो प्राइमोजेनेटचर का आईडिया जो है ना वो बहुत लेट डेवलप हो रहा है प्राइमोजेनेटचर होता है Eldest son successor father अब क्या होता है कि जब भी किसी किंग की डेथ होती है ठीक है और ये प्राइमोजेनेटचर का रूल ना से बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है अब तुम ये सोचो कि बड़ा भाई ठीक है कहने को उसको पावर मिल रही है क्या छोटे वाला छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा ना अगर छोटे वाले को पावर नहीं मिली तो वो अपने बड़े भाई के दुश्मन के साथ जाके मिल जाता था किंग फिर तो उसके बाद वो क्या करते है? उसका काम तमाम कर देते तो थे तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज चल रही है तो ये क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है जिसके पास ज्यादा पावर है जिसके पास ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गया टर्किश नहीं मंगोल टर्किश हाँ मतलब कह सकते हो टर्किश ओरिजिन बट दैट मेनली अ प्रैक्टिस डन बाय चंगेज खान कि जो भी अपना है ना वो क्या करते थे उसको अपने भाइयों में बांट देते थे हिमायु ने करा अक्सर हिंदाल और कामरान हा? सारे नॉर्मल थे मतलब हिमायू भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था लेकिन फिर भी अपने पापा के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए उसने ऐसा करा करना नहीं चाहिए ना ऐसा जिसको पास पावर है वो ले लो आके नहीं। चल फैमिली फ्यूड्स में जा रहे हैं हम भी उनके यहाँ चलो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज ही ब्रदर हीव राय जस्ट राइट के डी आर डोन्ट राइट देंट आई थिंक अभी सिर्फ नोट्स के लिए ही वॉज अ यंगर ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय एंड द पोर्चुज ट्रैवलर एंड द पोर्चुज ट्रेवलर फर्नोआ फरनोआ न्यूनिज देखो उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है न्यूनिज न्यूनिज है ना फरनोआ न्यूनिज केम टू इंडिया केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम फर्स्ट स्टॉप सेम पॉइंट सेम पॉइंट ही पेट्रनाइज्ड हि पेट्रनाइज पेट्रोनाइज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कर्नाटिक स्टार्ट विथ सी पेट्रनाइज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिकुरंदर दास पुरंदर दास पेट्रनाइज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक पुरंदर दास Everybody understands Carnatic music though. So there are two kinds of classical singing. One is Hindustani classical music. One is Carnatic music. The with the music which is more popular is Hindustani classical. Uh -huh, that is also true. But Carnatic me problem hai na, people don't people present of the present generation Khaskar. They don't connect with the Carnatic music because there are there are there are there, are, there is sorry. देर इज अ वेरी लेस स्कोप फॉर इनोवेशन वहीं पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या है ना दैट्स म्यूजिक kind of उसके अंदर ज्यादा स्कोप है इनोवेशन का तो इसलिए कर्नाटिक म्यूजिक क्या है कि पोर्टिकुलर पेज से चलता रहता है यहाँ पर आया ठीक है थे? मैंने अपना बुक निकाली और एक ही पेज पे बोलना स्टार्ट कर दिया तो चलो करो चलो 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 आप सोचाएंगे सब ये नहीं सोचेंगे ऑनेस्टली तो, बताओ सो जाएंगे सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सिमिलर टू म्यूजिक

बस कुछ दस पंद्रह लोग हैं जो इंजॉय कर रहे हैं पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा है तो क्योंकि दिखाना भी तो होता है ना कि हम कर्नाटक म्यूजिक सुनने गए हैं और इंक्लूडिंग मी आई वी वी वर ऑल स्लीपिंग मीन कि कि म्यूजिक खराब है बट पॉइंट इज हमें वो समझ में नहीं आता आर नॉट एबल टू कनेक्ट एक तो लैंग्वेज हमारे से ऊपर है इसलिए वहीं हिंदुस्तानी क्लासिकल होता है तो थोड़ा ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हो लेकिन तुम्हारे लिए ले क्वेश्चन यहां बनता है पुरंदर दास इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक परफेक्ट चले आगे okay next point is next point is he built his he built various temples he built various temples various temples and and after his death and after his death after his death after his death he was succeeded

आलिया रामायालिया रामाए फर्स्ट ऑफ ठीक है अब पॉइंट की आलिया रामाए जो था ही वॉज द सन लॉ ऑफ द विजयनगर एम्पायर क्या हुआ कि अब अचुत्या देव राय की डेथ हो गई उसके बाद उसका बेटा आया वेंकटवन याद करने की जरूरत नहीं बस मैं बता रहा हूं ठीक है वेंकट वेंकटवन की डेथ के बाद बेटा आया छोटा बेटा आया बहुत एक छोटा सा माइनर चाइल्ड आया कृष्णदेव राय का मगर कृष्णदेव राय का बेटा तो जरूर आया बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा था

ने क्या बोला है इट्स सर्कल ऑफ 1564-65 के पास एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ तल्लीकोटा बैटल ऑफ तल्लीकोटा में क्या हुआ जो किंग्स को ये भड़का रहा है उनको धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि ये हमें भड़का रहा है तो उन्होंने क्या करा इसके अगेंस्ट में सब हो गए और इसको हरा दिया एंड दैट लेड टू द एंड ऑफ ग्लोरियस फेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इस तरीके से समझ आई तो आलिया रामा राय इसके ऊपर कोई ना कोई मूवी जरूर बनी होगी साउथ में आलिया तो प्लेयर जो आसपास के लोगों को भड़का रहा है लेकिन फिर लोगों को जब समझ में आ गया तो वो समझ गए कंट्रोल कर पा रहा था और उनसे भी प्रॉफिट लेता उनसे भी प्रॉफिट लेता है सिंपल ही वॉज एक्टिंग एज ए पावर ब्रोकर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पावर ब्रोकर का काम क्या होता है यस लाइक यूएस परफेक्ट एग्जाम्पल है मैं तो और दे रहा था लेकिन ये सेफ एग्जाम्पल है यूएस इज अः वही हारा था ना मेरे भी तो दैट इज अ वेरी सेफ एग्जाम्पल यूएस यूएस क्या करता है ये तो काम करता है पावर ब्रोकिंग का था तुम्हें तो लगता है कि बाकी किसी की आर्मी में इतना तो दम है कि नाइजर में जाके कर लेंगे या गेबिन में जाके कर लेंगे और अभी तो कल तो चाइना ने भी हद कर दिया है चाइना एज शोन अक्साइड एंड अरुणाचल एज द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी और हमने मैप में भी बता दिया है हाँ पहले भी और कल भी एक पूरी कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई है इस बात पर चाइना को चाहिए अरुणाचल इसका पानी की कमी पूरी करने के लिए चाइना को सब कुछ चाहिए चलो कहां पर से हम भरने का ओके okay, फाइन आलिया रामा फुल स्टॉप फुल स्टॉप नेक्स्ट पॉइंट इज रामा राये, रामा राये, रामा रॉज अ सक्सेसफुल रामा रॉज अ सक्सेसफुल military commander was a successful military commander military commander and had and had a great influence and had a great influence over over vijayanagar empire and had a great influence over vijayanagar empire first stop first stop next point is next point is

अभी आपने पूछा कि क्यों कर रहा है अब ये क्या कर रहा है एक साइड इसकी साइड एक बार उसकी साइड एक बार उसकी साइड सबके साथ अलग अलग चला गया सब इसको क्योंकि ये वो तो, इसने अपने फादर इन लॉ के टाइम पे फादर इन लॉ कौन है इसके केडीआर उनके टाइम पे बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स जीते भी थे और इस टाइम तक आता आते, आते बहामनी किंगडम्स का ब्रेक हो गया था पूरा ब्रेकअप हो गया था उसका तो ब्रेकअप एज इन उस तरीके से ठीक है अब अब क्या होता है जनरेशन चेंज होती जाती है तो फिर वर्ड का मीनिंग चेंज होता है एनसीईआरटी में वर्ड आज भी ब्रेकअप ही लिखा है उसके अंदर अहमदनगर गोलकोंडा बेदार बेरार ये सारे किंगडम्स है तो अब इन पांचों छोटे छोटे किंगडम्स को उसको कंट्रोल में रखना था तो उसने क्या करा एक को एक के खिलाफ भड़काया एक को एक के खिलाफ भड़काया और ये ऐसा काम नहीं ओपनली भड़का रहा है वो क्या करेगा सीक्रेटली जाके उनसे अलायंस करेगा ताकि जो विजयनगर एम्पायर है वो सेफ रहे ठीक अब रशिया यूक्रेन का देखो यूक्रेन को किस तरीके से यूएस ने पूरा का पूरा करा और अगर यूक्रेन को भी छोड़ो वर्ल्ड वॉर वन तुमने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर वन में ऑस्ट्रिया को जो एक तरीके से नहीं होता गलत गलत तरीके से इंस्पायर कर गलत इंस्पायर किसने करा है जर्मनी ने करा है वो अपने वही वाला दोस्त है जर्मनी जिस तरीके से क्या हुआ था भाई कर ले कर ले कर ले तीसरे मंजिल से कूद रहा है भाई स्टंट कर रहा है तेरा भाई हाँ तू कर रहे कर ले कोई नहीं देख लूंगा तेरा भाई संभाल लेगा जर्मनी ने पीछे से ऑस्ट्रिया को करा ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया फिर उसकी भी हालत पता है और जर्मनी की हालत भी पता है तो वही करा इसने काम लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे सबको ना गेम पता लग जाता है कि किसने क्या करा है तो रामर आएगा क्या हाल होगा ना एंड में मजा आ जाएगा देख के राइट right? उसने ना कुछ ज्यादा कर दिया था थोड़ा थोड़ा करता ना समझ आ जाती समझ नहीं आती लोगों की यही कर रहा है लेकिन उसने थोड़ा ज्यादा प्ले कर गया वो वन का क्या पॉइंट था वन अगेंस्ट अगेन फुल था फुल स्टॉप हिज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग साइड्स हिज कॉन्स्टेंटली Changing sites to improve is constantly changing sites to improve his position, improve his positions, improve his position, prompted, prompted, prompted the sultanates, prompted the sultanates to prompted the sultanates to form an alliance, prompted the sultanates to form an alliance against him, form an alliance against him, against him and defeated and defeated him in 1565, defeated him in 1565 in a battle, in a battle known as Raksha, Rene, sorry, राक्षसा थड़ी इन बैटल नोन एज राक्षसा तंगड़ी और ये ऑलरेडी प्रिल्स में आ चुका है ये चीज इसका एक और नाम है राक्षस अंगड़ी के साथ ब्रैकेट में लिख लेना बैटल ऑफ तल्लीकोटा, हाँ, बिल्कुल बैटल ऑफ तल्लीकोटा। और फिर एक और इसका जो हमें बता रहा है, वो भी लिख बन्नी हट्टी, B -A -N -N I, -N -N -I, -I बी एबल एन आई तो ए राक्षसा थंगड़ी तल्लीगोटा बन्नी हट्टी तो एक ही बैटल का नाम है विच हैपन ड्यूरिंग 1565 और इसमें साथ साथ कौन आया था बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर बेरार एक्सेप्ट नहीं सॉरी बिदार आया था बेर नहीं आया था ठीक है तो देर वर सर्टन पीपल हु केम एंड दे वे फॉर्मिडरेसी कॉन्फिडरेसी का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझो हाँ क्या होता है यूएसएसआर अ कॉन्फेडरेसी कॉन्फेडरेसी के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मराठाज में मराठाज कॉन्फेडरेसी इसमें क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल रहोगे तो आपको कोई भी हरा देगा लेकिन अब साथ में मिलकर रहोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा और अब साथ में सिर्फ आपके हाथ में ही रहते हैं आप सिर्फ क्या हो, अपनी मिला लेते हो, ताकि आपको कोई अलग से हराने की बजाय एक साथ अगर लड़ाई करोगे तो आप जीत जाओगे तो उसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेसी तो कॉन्फेडरेसी में आया बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा बिदार जो नहीं आया वो था बेरार ठीक तो इस तरीके से ये वॉर जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट वॉर वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको सेम लाइन में लिखने वाले हैं समझ आ जाएगा तुम्हें मेदार फुल स्टॉप फुल स्टॉप दिस बैटल दिस बैटल इज कंसिडर्ड दिस बैटल इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ दिस बैटल इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ एंड ऑफ द ग्लोरियस फेज

तो so, इसी तरीके से दिस बैटल ऑफ इन 1565, मार्क द एंड ऑफ़ द ग्लोरियस फेज ऑफ विजयनगर एम्पायर वो है वो सर्वाइव करेगा बट बहुत छोटे जगह पे सर्वाइव करेगा इट्स बेसिकली लाइक मुगल एम्पायर इन द लेटर फेजेस फ्रॉम 1757 और यू कैन सेवन सेवन 1757 से लेकर 1857 तक जो मुगल एम्पायर सर्वाइव कर रहा है अच्छा एक चीज और मुझे याद आई मुगल एम्पायर जो है उसके टाइम पे भी राखी बनाई जाती थी खासकर अकबर के टाइम पे शाह आलम सेकंड के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे हाँ हिमायू के टाइम पे है बिल्कुल है हिमायू के टाइम स्टार्ट हुई थी ठीक है जिसके टाइम पे नहीं बनाई जाती थी वो कौन है गुड औरंगजेब खिसका था नीड टू अंडरस्टैंड कि आई एम रूलिंग इन अ प्लेस

ऑल दो ऑल दो द विजय नगर एम्पायर ऑल दो द विजय नगर एम्पायर कंटिन्यूड टू सर्वाइव ऑल दो द विजन अगर एम्पायर कंटिन्यूड टू सर्वाइव कंटिन्यू टू सरवाइव बट बट इट वॉज अ मेयर शैडो थोड़ा ज्यादा हो गया ठीक है इट वॉज अ मेयर शैडो ऑफ इट्स Of its glorious past, mere shadow of its glorious past. First off, first off, same point, same point. They existed under. They existed under Aravidu dynasty. They existed under Aravidu dynasty. Aravidu dynasty, which ruled, which ruled. फ्रॉम चंद्रागिरी विच रूल्ड फ्रॉम चंद्रागिरी ब्रैकेट नियर तिरुपति चंद्रागिरी ब्रैकेट नियर तिरुपति ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज फॉर अबाउट फॉर अबाउट हंड्रेड इयर्स फॉर अबाउट हंड्रेड इयर्स फुल सेम पॉइंट श्री रंग थर्ड श्री रंग थर्ड श्री रंग थर्ड वॉज द लास्ट किंग वॉज द लास्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर लास्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर राइट अच्छा तिरुपति देखो थोड़ा टेम्पल फिर से आ गया इसमें आई थिंक इसी से रिलेटेड है और एक चीज जो है तिरुपति बालाजी जो है तिरुपति बालाजी के बारे में पता नहीं बहुत मैंने इतनी देर तो वहां देखने नहीं देते हैं लेकिन जितना मैंने जैसे देखा उसके इमेजेस ये सब है तो या तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन है जैसे उनकी आरती करता है ना तो तिरुपति बालाजी के फेस पे ना ऐसा होता है कि उनके फेस पे जो तो स्वेटिंग होती है एंड दे ऑल्सो से देयर ऑन दट पर्टिकुलर आइट जो उनके जो हेयर है तो वो देर रियल एंड जब आरती होती है तो मे बी वो स्माइल करते हैं मे बी हो सकता है वो लाइट की रिफ्लेक्शन हो बट तिरुपति बालाजी इज समथिंग विच इज लाइक गॉड्स ऑफ गॉड्स इन साउथ इंडिया मतलब इतना रश होता है ना उसमें यू डोंट इवन अंडरस्टैंड और जो मैन man मैनेजमेंट है जैसे जो एमबीए के स्टूडेंट्स है ना उनको मैन man मैनेजमेंट समझाने के लिए सिखाने के लिए दे आर दे आर टेकन टू तिरुपति क्योंकि तो तिरुपति में जितना क्राउड आता है ना एक एक इंसान का नंबर दो दो दिन में आता है अगर तुमने तो पचास के टिकट लिए तो सौ की टिकट पचास के टिकट एक एक इंसान का नंबर तीन तीन दिन, दिन में आता है और आप लाइन में ही खड़े रहते हो तो वहां पर मैन man मैनेजमेंट काम आती है तुम्हारी तो तिरुपति बालाजी वाला जो टेम्पल है पूरा वो फिफ्टीन किलोमीटर्स है हिल्स पे लोकेटेड मतलब प्लेन से फिफ्टीन किलोमीटर का डिस्टेंस है और हिल्स पे लोकेटेड है तिरुमाला हिल्स पे लोकेटेड है तो वहीं के आसपास से इन लोगों ने रूल करना स्टार्ट करा ठीक चले नेक्स्ट इज नेक्स्ट सब हेडिंग बताओ याद कर रहा था अच्छा विजयनगर इंटरेस्टिंग चीज होती थी अगर किसी को हार्श पनिशमेंट देनी है ना हाथ पैर तो नॉर्मल काट ही देते थे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो इंटरेस्टिंग पनिशमेंट देते थे ना अन वो था हाथी जाके फेंक दिया ये अच्छा है हाथी का के फेंक दिया इंसान को लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वायलेंट हो जाता होगा मुझे लगता है जब उसको हार्श पनिशमेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है ये इंटरेस्टिंग यार हाथी का के फेंक दिया इंसान को फिर वो आदमी बेस्कुल वैसा जूस निकल जाएगा उसका ऐसा तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है इनकी पनिशमेंट में और तुम एक चीज देख रहे हो एलिफेंट्स का जो यूज है ना इंडिया में बहुत ज्यादा है चाहे हमने चोला एमपायर में देखा चाहे हमने चंद्रगुप्त तो मौर्य के टाइम पे देखा चाहे हमने लोधीस के टाइम पे देखा तो एलिफेंट्स आर अ ग्रेट एसेट फॉर द किंग्स लेकिन एक पॉइंट के बाद वही उनके नेमेसिस का कारण भी बन गए थे नेमेसिस तो रही? उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन गए थे क्योंकि घोड़े आ गए थे ठीक है चलें एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज the king the king was the highest authority the king was the highest authority king was the highest authority and and was assisted by and was assisted by a council of ministers and was assisted by a council of ministers council of ministers First we'll off, next point is, next point is the kingdom, the kingdom was, the kingdom was divided into various administrative units, divided into various administrative units inspired by the cholas, inspired by the cholas, inspired by the cholas, such as चैस मंडलम सचैस मंडलम मंडलम कौन नाडूज नाडूज क्या हो गया इसे डिस्ट्रिक्ट मंडलम हो गया तुम्हारा प्रोविंस मंडलम नाडूज स्थल 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 एंड फाइनली एंड फाइनली ग्राम and finally gram right first stop first stop they also gave they also gave full powers to the local authorities they also gave full powers to the local authorities local authorities but but the aspect of but the aspect of aspect of village self government but the aspect of village self government village self government under cholas under cholas was was no longer was no longer present was no longer present

took away the freedom of the village institutions, took away the freedom of village institutions. First off. Next point is next point is the provincial governors, the provincial governors, the provincial governors had had

Contribution they paid a fixed contribution in men and money they paid a fixed contribution in men and money to Vijayanagar Empire to Vijayanagar Empire. First stop. Therefore, therefore it can be said that therefore it can be said that said that the empire that the empire functioned on empire functioned on segmentary state model functioned on segmentary state model segmentary state model in which in which the king

कोर एरिया ठीक यहां पर किंग के पास सारी पावर्स है बट यहाँ पर जो एक तरह से भी कह सकते जो गवर्नस हैं अभी गवर्नर है अपने खुद के ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं इनफैक्ट उनका अपना कोर्ट भी था अपने खुद के लॉस भी बना सकते हैं सब कुछ काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो किंग है की किंग से जो कोर एरिया में किंग है उससे कैसे डर रहे हैं उससे इस तरीके से डर रहे हैं क्योंकि ये ये किंग है तो इसको ये क्या कर रहे कर रहे रहे हैं हैं मैन मैन प्लस मनी प्रोवाइड मतलब एज इन द आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी उसकी कोई वॉर हो रही है और हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं जिसको हम बाद में चल के कहेंगे नजराना 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 कहेंगे या फिर कहेंगे पेशकश जराना और पेशकश हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप शांत रहिए हम आपको हर साल थोड़े थोड़े पैसे दे, दे देंगे उसके बाद ठीक है सब बढ़िया है तो वो चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेट मॉडल हो गया उसके बाद क्या कहते हैं ऐसा तुम्हारा वो फ्यूडलिज्म हो गया ठीक है और फ्यूडलिज्म इज अ स्टेट मॉडल ओनली ये फ्यूडलिज्म नहीं है प्रॉपरली फ्यूडलिज्म में और भी एस्पेक्ट्स होते हैं फ्यूडलिज्म में यू सी द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड बट देर इज नॉट डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड राइट नाउ द ट्रेड इज है ना दो चार आस्पेक्ट हरेक किसी को मिल जाता है ना तो ऑर्थर्स क्या करने लग जाता है हर एक चीज को फ्यूडलिज्म बोलने लग जाता है बट फ्यूडलिज्म मनसबदारी को भी फ्यूडलिज्म बोल रहे हैं लेकिन वो फ्यूडलिज्म नहीं है मनसबदारी दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बट दैट इज नॉट फ्यूडलिज्म उसके बाद ये हो गया रिचुअलिस्टिक स्टेट मॉडल हो गया ठीक है ये भी यही पर हमने नहीं पढ़ा लेकिन वो भी एक मॉडल है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है

ठीक है और बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन वो सच एस सच के यहाँ पर नीड नहीं जीएस में नीड नहीं ठीक है वही बात हो जाती है फिर या तो यू डू पी एच डी थोड़ी ऑप्शनल में जैसे पी एच डी करते हैं उसमें मॉडल्स पढ़ते हैं हम काफी सारे जैसे उसमें हम फ्यूडलिज्म के भी टाइप्स पढ़ते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म यूरोपियन फ्यूडलिज्म और इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं डिफ्रेंट डिफरेंट जगहों की फ्यूडलिज्म के बारे में बताते हैं उस तरीके की चीज समझ आ गया ये चीज ओके नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज Land revenue, land revenue was fixed at, land revenue was fixed at one-sixth, land revenue was fixed at one-sixth of the produce. Land revenue was fixed at one-sixth of the produce. Or Prashant, land revenue, land revenue will not be taken from the provinces. But the land revenue mainly will be taken from the areas which were directly under the control of the king. गवर्नर्स उनको टाइम टू टाइम मंथली वो देंगे मंथली या एनुअली जो भी उनका अरेंजमेंट है है ना तो ये जो रेगुलर फ्लो होगा ना इनकम का वो लैंड रेवेन्यू होगा साथ साथ में तुम्हारा ट्रेड चल रहा है कस्टम टैक्सेस ये सब चीजें वो भी तुम्हारे पास आएंगी ठीक ये सब टैक्सेस तुम्हारे पास आने वाले मेन टैक्सेस ये हैं ठीक है चले ओके प्लीज यू तो नेक्स्ट अच्छा स्टार मार्क बना लो पहले एक मार्क में एक सिंगल एक टर्म लिखना है उसका मीनिंग लिखना है टर्म है अमारम एम ए अमारम आर एम अमारम मीनिंग है एरिया स्लैश प्रोविंस एरिया स्लैश प्रोविंस क्योंकि आगे चल के हम वो एक एक बेसिक इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमारा नायका अमारा नायका क्या होगा द नायक का मतलब क्या होता है ऑफिसर ऑफ अ प्रोविंस एंड सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन फॉर्म ऑफ मनसफ दास मनसफ दार होल्डर ऑफ अ रैंक एंड दैट कंसिस्टेड ऑफ योर हां दैट कंसिस्टेड ऑफ जात एंड सवार ठीक ओके फाइन चलो फिर तो प्लीज अब नेक्स्ट सब डालो आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ओके फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज द द डिस्प्यूट ओवर द डिस्प्यूट ओवर रायचूर द डिस्प्यूट ओवर रायचूर दोआब 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 का मतलब क्या होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स दोआब जलंधर भी तो एक दुआब भी है ना उसमें आई थिंक वो गानों पंजाबी सॉन्ग्स में भी दुआब बोलते हैं उसको दुआबे वाला दुआ। है ना क्या बोलते हैं दुआबा दुआब अमन वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तरफ इरीगेशन फैसिलिटी भी है ऑटोमेटिकली वो सबसे ज्यादा कोवेटेड लैंड होगी उसको सब चाहेंगे दैट दुआब इज लाइक योर ऑडी जो सबको चाहिए समझ आया रायचूर दुआब इज द लैंड विच वॉज नोन एज इफ यू रिमेंबर पोलाज मोस्ट फर्टाइल लैंड ठीक हमने जो मुगल एम्पायर में पढ़ा था उस तरीके से the, uh, क्या था पॉइंट क्या था द डिस्प्यूट ओवर रायचूर दुआब दैट इज अ रीजन बिटवीन दैट इज अ रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंग भद्र द रिवर रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंग भद्र रिवर तुंगभद्र रिवर वॉज वॉज अ कंसिस्टेंट वन वॉज अ कंसिस्टेंट वन बिट्वीन वॉज अ कंसिस्टेंट वन बिटवीन विजयनगर एंड बहामनी विजयनगर एंड बहामनी फर्स्ट ऑप therefore 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 army needed therefore army needed to be well organized therefore army needed to be well organized first stop same point same point high quality horses high quality horses were imported were imported from

एंड दिस विल ऑन द साइड ऑफ केला इज नोन एज द मालावार कोस्ट और जो बाद में चल के यूरोपियन ट्रेडर्स आएंगे दे विलिशिंग दियर फैक्ट्रीज अलॉन्ग द कॉरोमंडल कोस्ट ऑल्सो क्योंकि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो यू कैन कंट्रोल द ट्रेड टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया इस तरीके से और यहां से कंट्रोल कर सकते हो ट्रेड टूवर्ड्स गल्फ कंट्रीज ट्रेड टूवर्ड्स यूरोप तो इंडिया इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड

मतलब कि अगर दस रुपए का यहां से लेके गया है सिक्सटी टाइम्स का मतलब हो गया इंटू सिक्स 60, तो छह सौ रुपया का उसने वहां पर उसको बेचा है और टेन रुपीज उसकी टोटल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो 590 रुपीज का टोटल प्रॉफिट उसको वहां मिला समझे जैन साहब ये तो ईजी है समझना फाइव नाइन्टी रुपीज का प्रॉफिट और सिक्सटी टाइम्स का प्रॉफिट होता नहीं है बहुत जगह जगह पे जब तक तुम वो ना बना रहे हो किसी रिटेलर के तरफ जींस ना बना रहे हो जो जींस वो बारह हजार रुपए की बेचते हैं वो जींस बनती है एक हजार रुपए की है लेकिन उनके बाद बेचारों की कॉस्टिंग में तो आ जाती है तुमने तो एक चीज चीज नोटिस करी है सेम शॉप पे सस्ती महंगी मिल, मिलती है ऑनलाइन सस्ती मिलती है फिर हम कहा भरोसा तो नहीं है लेकिन शॉप वालों का क्या बेचारों का अपना खर्चा है ऑनलाइन का कोई खर्चा नहीं है इसलिए तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वट यू इन्वेस्ट तो इसी तरीके से वास्को डिगामा ने इन्वेस्ट करके देखा इन्वेस्ट में उसको प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ तो उसको देख के और लोग आए फिर तो तुम्हें पता है क्या स्टोरी हुई है पूरी की पूरी आगे जस्ट टू कम इंडिया चीज है हमें स्कूल में हिस्ट्री पढ़ के ये लगता है कि इंडिया हमेशा से बंद था इंडिया में कोई ट्रेड ही नहीं होता था ऐसे ही लगता था मुझे तो हमेशा नहीं ऐसा फील नहीं होती थी मतलब इस तरीके से फील नहीं कराया जाता था कि हाँ यहाँ पर ट्रेड होता था वी हैड अ वेरी फ्लरिशिंग ट्रेड इन फैक्ट द इंडस पीपल ऑल्सो ऑफ बोट्स मे मे बी नॉट द नेवी But they had the presence of boats. Obviously, they have to trade, right? Easily. Fine. <clears throat> next point is. Next point is. Amara. Amar, huh? sorry. The port of Malabar. The port of Malabar was the center of this trade. Was the center of this trade. first stop next point is amaram nayaka amaram nayaka system amarak, amarak, amaram nayaka system was one of the unique points was one of the unique points of vijayanagar empire one of the unique points of vijayanagar empire vijayanagar empire first stop same point same point the top officers the top officers of the army the top officers of the army were known as top officers of the army were known as nayaks were known as nayaks or polygars nayaks or polygars nayaks or polygars शॉप so, अगर तुम एक चीज देखो बाद में चल के एक रिवोल्ट भी होगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे एंड दैट रिवोल्ट विल बी नोन एज द रिवोल्ट अब तुम्हें समझ आया पॉलीगार कौन है दो लोगों के बारे में तुम्हें, तुम्हें पता होना चाहिए एक होता है विलालास. विलालास कौन है लैंड ओनिंग कम्युनिटी और ये है पॉलीगार्स पॉलीगार्स आर द पीपल हु आर लैंड ओनिंग प्लस दे हैड द प्रेजेंस ऑफ आर्मी विद देम तुम्हारी भाषा में बोला जाए उनपे आर्मी थी उनके ऊपर आर्मी थी हा? समझ तो आई बात उस तरीके से जब आर्मी और लैंड का कॉम्बिनेशन है तो वो लोग तो स्ट्रॉग ऑटोमेटिकली हो गए या नहीं हो गए तो तो बता रहा था घरों के बाहर क्या लिखवाता है जागीरदार हमारे मम्मा के घर के पास लिखवाते हैं राव साहब फिर तो उसके बाद अपना नाम लिखवाते हैं तो वही तरीका है ना क्योंकि तुम्हारे पास लैंड भी है तुम्हारे पास आर्मी भी है तो यू आर डबल पावरफुल तो इसलिए अमर का सिस्टम वॉज अक सिस्टम विच वॉज इंस्पायर्ड बाई वॉट यू कैन से दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर इस तरीके से Same point, same point, same point. The officers, the officers were, the officers were granted, were officers were granted these lands, the officers were granted these lands and, and his responsibilities, and his responsibilities were similar, and his responsibilities were similar to, सिबिलिटीज सिमिलर टू जागीरदार सॉरी जागीरदार का नहीं लिखो मनसफदार इज फाइन एक वर्ड इज फाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पॉइंट द सोल्जर्स दोल्जर्स वर पेड इन कैश द सोल्जर्स वर पेड in cash first off same point slowly slowly as the central authority slowly as the central authority started to become weak started to become weak these people these people became more powerful मोर तो पावरफुल बाद में चल के ही अपना छोटा छोटा किंगडम बना लेंगे जब इंडिया में बाद में चल के कितनी प्रिंसली स्टेट होती है फाइव सिक्सटी फाइव princely states भी आप जरूरी नहीं कि सब हैदराबाद के size की जितने बड़ी हैं छोटे 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 हैं गुजरात गुजरात के अंदर एक सौ स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे सोचो कि जरूरी थोड़ी ना सब हैदराबाद के छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे अभी आज मैं कोई बुक पढ़ रहा था अभी आते हुए यहाँ पे उसमें बुक के अंदर चौहान्स के बारे में दे रखा था चौहान्स के बारे में ये दे रखा है कि उनके एरियाज कौन कौन से थे तो हमारा वाला जो एरिया हमारा जो पापा का विलेज वाला एरिया है वो भी चौहान्स के अंडर में ही आता था नीमराना राना तो दैट वॉज ऑल्सो बीन कंट्रोल्ड बाई द चौहान्स तो वन ऑफ द ब्रांचेज रूल्ड ओवर दैट पर्टिकुलर फोर्ट जो कि आजकल वर्ल्ड फेमस है नीमराना फोर्ट दो जगह फेमस है जैन टेम्पल ठीक है तिजारा वाला और एक नीमराना फोर्ट इनफैक्ट तिजारा में भी फोर्ट है बट दैट इज नॉट एज फेमस एज नीमराना फोर्ट विच वॉज बीन बाई हर चौहान रूला और पहाड़ को काट काट के इट्स हिल फोर्ट इट्स जैसे राजस्थान के मोस्टली फोर्ट्स होते हैं चले एक ही है लैंड ऑल्सो एंड ऑफ आर्मी बाद में चल के हो सकता है कि पीपल एच अदर, जो हुआ था ना, दे तो सेम ही है ना बट वी आर गिविंग नेमको तो हम कहते हैं पलियार्स या फिर ओके फाइन लास्ट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सब एडिंग सिर्फ दो और सब एडिंग छोटे छोटे Last point in this particular subheading: the the forts of Vijayanagara Empire. The forts of Vijayanagara Empire. Forts of Vijayanagara Empire were built were built with thick walls. Were built with thick walls. Built with thick walls and and.

देयर पावर इन इंडिया तभी उनको बोला जाता है गन पाउडर एम्पायर ये भी हाँ बड़े स्केल पे यूज करा ये भी हो सकता है ठीक ओके फाइन सो नाउ अच्छा एक चीज और है ये लोग टर्किश और पोर्चुगीज दोनों को लगाते थे अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए तो लिख लो उसको स्टार मार्क बना के जैसे भी एक अलग पॉइंट करके लिख लो पोर्चुगीज एंड टर्किश पीपल पोर्चुगी एंड टर्किश पीपल वन एम्प्लॉयड वन एम्प्लॉइड टू ट्रेन द आर्मी टू ट्रेन द आर्मी फुल स्टॉप ठीक है चले सेकेंड लास्ट हेटिंग फिर खत्म हुई थे नगर एम्पायर के बाद सेकेंड लास्ट एडिंग में सोशल लाइफ ये भी क्लब जा रहे हैं सोशल लाइफ इनका क्लब बहुत डिफरेंट था इनका क्लब था रेसलिंग, इनका क्लब था डांसिंग और इनका क्लब था रेसलिंग, डांसिंग म्यूजिक और एक और इंटरेस्टिंग चीज थी इंटरेस्टिंग चीज थी फाइट फाइट ऑफ वॉट डॉग्स की फाइट के साथ साथ मुर्गा फाइटिंग कॉक फाइटिंग आज भी चलती है तो वो चीज उस टाइम पे भी होती थी लोगों का फेवरेट पास डॉग फाइट भी होती थी और बकरा फाइट भी होती है बकरे भी आपस में ऐसे करते हैं तो सबकी फाइट सबकी फाइट होती है बट्टू दैट इज द केरलास मार्शल आर्ट आई हैव नो है मुझे बताइए को क्या बोलते हैं ठीक चले ओके सोशल लाइफ फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज अलसानी पेदाना अलसान स्पेलिंग अलसानी पेदाना Alsani Padana tells us about Alsani Padana tells us about the presence, tells us about the presence of presence of four caste presence of forecast in their society, forecast in their society. First off, next point is. ट्रेवल लाइक पेस पी एस ट्रैवल लाइक पेस डिस्क्राइब अबाउट डिस्क्राइब अबाउट द बिल्डिंग्स डिस्क्राइब अबाउट द बिल्डिंग्स एंड लग्जूरियस लाइफ डिस्क्राइब अबाउट द बिल्डिंग्स एंड लग्जूरियस लाइफ ऑफ द सिटी मतलब की फॉरिनर्स के लिए ना सर्वेंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है <laughs> तो वो कह रहे इतने रिच लोग थे इतने ज्यादा सर्वेंट्स थे फॉरनर ये तो ये बता पाया हाँ हाँ जी कनेडा में जब लोग जाते हैं यहाँ पर तो ड्राइवर भी है यहाँ पर तुम्हारा बेलदार भी है सब है ठीक है बरत, काम करने वाली आंटी भी आती हैं तो वहां जाके क्या होता है ये सब काम किसको करने पड़ते हैं खुद को करने पड़ते हैं ऑब्वियसली वो खुद को करने पड़ते हैं राइट तो इसलिए यहाँ पर आके जो भी लोग आते हैं जैसे देखते हैं कि ये सब चीज है तो वो बहुत शौक हो जाते हैं एंड शी इन जर्मनी वर्ण का पीपल डू नॉट लुक अपॉन डाउन अपॉन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन चाहे वो तुम्हारा घर क्लीन कर रहे equal respect नहीं या हाँ करना चाहिए unko करना चाहिए everybody is helping you तो wo चीज होती है तो ये foreigners के साथ क्या होता है कोई भी foreign अकाउंट देखोगे ना सर्वेंट्स की प्रेजेंस उनको बहुत ज्यादा इंट्रीक करती है मतलब उनके लिए अगर सर्वेंट्स की प्रेजेंस है तो pointers की भाई

डोमिंगो पेस और उसका देखो उसको याद रखने का तरीका क्या है मेरा लियांडा पेस टेनिस P -A -E -S. नहीं पी एस तूने लियांडा पेस को खेलते हुए देखा नहीं है ना तूने नाम भी नहीं सुना यार पेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स डबल्स का पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स इन टेनिस नाइनटी सिक्स के अटलांटा ओलंपिक्स में आप सुना लग रहा है कोई नहीं आगे चल अभी बहुत चीजें सुनी सुनी लगेंगी सेम पॉइंट निकोलो कॉन्टी निकोलो कॉन्टी सेम पॉइंट में है निकोलो क्वांटी टेल्स अबाउट निकोलो क्वांटी टेल्स अबाउट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी तो इसमें से एक चीज हम समझ पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर स्लेवरी थी चाहे हम अर्थशास्त्र पढ़े तो स्लेवरी के बारे में पढ़ा है हमने हम ये पढ़ रहे हैं तो स्लेवरी में पढ़ा है अशोका ने क्या लिखा है अशोका ने अपने धम्मा में लिखा है यू शुड ट्रीट योर स्लेव विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट और स्लेवरी बहुत डिफरेंट काइंड की होती थी एक स्लेवरी के बारे में थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि देर वॉज इज आफ्रिकन स्लेव इन अमेरिका और यूरोप आई थिंक मे बी अमेरिका So he was a slave who was responsible for breeding, right? And he ha when he died, he had more than he had more than. ये ये उसपे से online read about him? and से he had more than I think six hundred children or two hundred children something around that. So the slaves had different tasks, or his respect in society. with the मान respect because he was a

इराक की बात कर बात कर लें गैमलिंग ऑलवेज़ बीन देयर अगर सीरीज ऑनलाइन होगा तो वो बताएगा सब महाभारत में भी थी राइट गैमलिंग अलोंग विद कॉक फाइटिंग अलोंग विद कॉक फाइटिंग वर द मेजर वर द मेजर फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट वर द मेजर फॉर्म ऑफ amusement for major form of amusement for the vijayanagar people major form of amusement for the vijayanagar people first of same point even the women even the women women practiced even the women practiced these activities even the women रेस्लिंग भी करती थी भाई नहीं करेंगी हाँ छोरी का छोरों से कम है गे तो उस टाइम पे वही चीज है यहाँ पर भी अरे यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ निपुन बड़ी देर से हमें जो हिस्ट्री दिखाई जाती है ना दैट इज अ वेरी बायस फॉर्म ऑफ हिस्ट्री यू नीड टू अंडरस्टैंड की वेमेन अकाउंटिंग भी कर रही है और वेमेन पैलें बेरर्स भी है पैलेंक्विन पता है ना दिस इज अच्छा ये सरोजनी नायडू की कोयम भी है आई थिंक Bearers. तो पैरेंट सोचो वो इतना शोल्डर्स उठा रही है तो रेस्लिंग भी तो कर ही हिस्ट्री में दिखाया गया देर ओनली एम्प्लॉड एजर्स लेकिन वर much more than that. जितना खराब दिखाया जाता है ना उतना खराब है नहीं मे बी वो दिखाया से जाता है कि मे बी वो फेमेनिज्म का अपने एक अलग तरीका है अपने आपको ज्यादा बेटर दिखाने का क्या है बैट आई डोंडरस्टैंड

वो चीज ठीक है चले आगे ओके फाइन नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज दीज रूलर्स दीज रूलर्स दीज रूलर्स अलाउड द पीपल अलाउड द पीपल अलाउड द पीपल द फ्रीडम अलाउड द पीपल द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड द फ्रीडम

Next point is, next point is, Muslims were enrolled. Muslims were enrolled in the army. Muslims were enrolled in the army. First off, next point is, next point is, there was there was not much improvement. There was not much improvement in the position of women not much improvement in the position of women of women first off same point same point according according to newness n u n i z according to newness women were employed women were employed in the royal palaces women were employed in the royal palaces as guards royal palaces as guards dancers guards dancers comma comma servants servants and and palanquin servants and palanquin bearers

words they females so entire staff in the female quarters of the what do you say king's palace was either females or either right is there is there benito उट साइडम your your सब कुछ मुझसे तो लेकिन बहुत ही अच्छे शब्दों में ऐसा नहीं की बहुत क्लियरली मैं तुझे तो बताने वाला हूँ ठीक है चले सेम पॉइंट सेम पॉइंट सती सती वॉज सेलिब्रेटेड सती

इतना आसान नहीं है बच्चे ये इसके पीछे पूरी पेट्रियाकल सोसाइटी लगी है शिद्दत से खत्म करने के लिए एक फैमिली है सन्यासी वाला देवदासी नहीं बनेगा वो एक अलग तरीके से लेवल पे ऑपरेट करेगा एक फैमिली है ठीक है फैमिली के अंदर क्या है कि बहुत सारे गर्ल्स हैं सब कुछ है अब और बॉय एक एंड में है उससे पहले चार पांच गर्ल्स हैं अब जो गर्ल्स हैं ना या तो सारी गर्ल्स या फिर सबसे बड़ी वाली बच्ची जो है उसको क्या करते थे दे यूज टू गेट हर मैरिड टू द गॉड्स हा सिमिलर कॉन्सेप्ट ठीक दे यूज टू गेट द मैरिड टू द गॉड्स एंड होता क्या था देवदासी मतलब कि सर्वेंट्स ऑफ द गॉड तो वो सुबह शाम भगवान की सेवा करती थी मतलब मंडप के अंदर कोई भी अगर फेस्टिवल होता था उसके अंदर डांस भी परफॉर्म करती थी तो कहीं ना कहीं तक जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं टेंपल से लेकिन ये इतनी आसान चीज नहीं है जितना बताया जा रहा है इसके अंदर जो एक्सप्लेशन ऑफ वुमेन है दैट ह्यूज आपने भगवान से शादी करी ठीक है लेकिन वहां पर और भी लोग प्रेजेंट हैं अब तूने तो क्या कॉन्सेप्ट बताया नन तो आई डोंट रिमेम्बर बट आई जस्ट एक मूवी थी जो किस्मत था देर इज पर्टिकुलर प्लेस इन यूरोप लेट्स नॉट टेक द नेम वहां पर क्या होता है ड्रेन विच वॉज फाउंड एंड द ड्रेन वॉज स्कल्स

क्योंकि वो हेरिडिटरी प्रोफेशन होता था अगर बॉय होता था उठा के सही में ये है ना बॉयज वाली वो वहां नहीं है अपने सिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हटे इसलिए भेज दिया जाता है तुम ये समझ समझो बात को पॉइंट इज आज भी एट्टी परसेंट इंडिया के अंदर गर्ल्स का पैदा होना ना लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है मतलब इनफैक्ट लोग रोते हैं यूरोप यूरोप एग्जाम्पल यूरोप का था हाँ यस पालन पोषण की कोई बात नहीं है यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होके वो अब उसको पूछते भी नहीं है वो कि वो कहाँ गई अगर उनको इतना कुछ होता तो पूछते हैं ना वो कि उनकी बेटी है लेकिन नहीं समझे बात कह रहा है हाँ 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 एवरीबडी वॉन्ट्स दैट चेंजेस नहीं हो रहे ना चेंजेस बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं अर्बन देखो अर्बन एरियाज की बात अभी निश्चय तो कर रहा है वो पढ़े लिखे लोगों में है वो भी कुछ में लेकिन उनमें भी क्या है कि गर्ल्स चाहिए दैट इज फाइन बट बॉयज भी चाहिए फैमिली कंप्लीट हो जाती है हम जैसे हैं, इन पेरेंट, हमारे के, उसके बाद उनको क्या लगता होगा हमें तो लग रहा वो कि शर्दान तुम्हें, वो मेरे से पूछना पड़ेगा उसी तरह क्लास में जज नहीं कर सकते है, इन दोनों को छोड़ के ना, ना। वही मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से चीजें होती हैं वही पालन पोषण नहीं हो रहा मैडम वही मैं समझा रहा हूँ खत्म करो खत्म वो हाँ ये लो ये लो आपकी हो गई शादी आप हमारे से आपका कोई मतलब नहीं है तो ये होता था सिस्टम एंड 1925 में में इसके अगेंस्ट में एक लेजिस्लेशन भी आया था एंड इसके जो लिए जो मेजर काम कर रही थी दैट वाज मुथु लक्ष्मी रेड्डी शी वाज अ मेजर लेडी हु वाज वर्किंग फॉर दिस लेडी और आई थिंक मेनली लेडी थी वो शी वॉज वर्किंग फॉर दिस फॉर द दबोल्यूशन ऑफ द सिस्टम लेकिन ये सिस्टम आज भी विलेज के अंदर तमिलनाडु में कर्नाटका में इन सब जगह पे आज भी प्रेवलेंट है आज भी है ये डिस्पाइट इट बींग बैंड आज भी चीज होती है ठीक चले ओके सेम पॉइंट टेम्पल्स टेम्पल्स वर रिच टेम्पल्स वर रिच एंड टुक एक्टिव पार्ट टेम्पल्स वर रिच एंड टुक एक्टिव पार्ट इन इंटरनल एक्टिव पार्ट इन इंटरनल एंड

इस तरीके से ओके लास्ट ऑफ हेडिंग एंड द लास्ट थिंग ऑफ मिड इंडिया इकोनॉमी 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 कल्चरल भी करना है कल... नहीं हाँ कल्चर भी थैंक यू थोड़ा सा कल्चर भी देखेंगे हम बिल्कुल बनाए जाते हैं जैसे हमने वो देखा है सती सती जब होता था ना तो सती के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टोन बनाए जाते थे उसे हम सती स्टोन जो कहते हैं उसके अंदर लिखा जाता है कि किसने सती करी किसके टाइम पे करी सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग विजयनगर एम्पायर और स्कल्पचर्स भी बनाए जा रहे हैं जैसे चोला एम्पायर में भी स्कल्पचर्स बनाते साउथ इंडिया के अंदर स्कल्पचर्स जो है किस किस, -किस है नंदी स्कल्पचर्स बना रहे हैं ठीक है स्कल्पचर्स स्कल्चर शिवा के स्कल्पचर्स बना रहे हैं ठीक है इस तरीके से इनफैक्ट एक स्कल्चर की बात में तुम्हें बताया टेम्पल है फिर से टेम्पल आ गया ठीक है वो टेम्पल की जो मूर्ति है गर्भगढ़िया में जो रखी है That is made out of nine poisons, nine poisons. But उसकी क्वॉंटिटी को इस तरीके से करा गया है कि that these जल चढ़ाते हैं लोग या पंडित जी जल चढ़ाते हैं उस मूर्ति का जल किसी ने ग्रहण कर लिया उसकी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। सो दट पॉइजन हैज नाउट बी टर्न इन टू अम टेम्पल का याद नहीं आ रहा निश्चय मुझे बिल्कुल भी साउथ में ही है मुझे आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा बट इतना मुझे याद रह गया इस तरीके से, से। तो लोग दूर दूर से आते हैं उस पर जल अभिषेक होता है या फिर जो मिल्क चढ़ाया जाता है उसका, उसका प्रसाद ग्रहण करने फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू फॉरन ट्रैवल अकॉर्डिंग टू फॉरन ट्रेवल विजयनगर janagar was one of the Vijanagar was one of the wealthiest kingdom Vijanagar was one of the wealthiest kingdom wealthiest kingdom and agriculture and agriculture was a major economic activity agriculture was a major economic activity first of same point irrigation irrigation was provided irrigation was provided irrigation was provided by building by building dams and tanks by building dams and tanks first off newness न्यूनज रेफर टू दून इज रेफर्स टू द एक्सकवेशन न्यून इज रेफर टू द एक्सकवेशन ऑफ कैनल एक्सकवेशन ऑफ कैनाल्स फर्स्ट स्टॉप किस किस के जी एफ देखी है मैंने नहीं देखी बस मैं तुम्हें बता रहा हूं तो के जी एफ देखिए आपने देखा कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर रहे है उड़ीसा कर्नाटका तो तुमने नहीं देखी इसका मतलब तो मैंने बेरी तरह तो मुझे पता है कि कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका उड़ीसा नहीं है गोल्ड फील्ड कोलार गोल्ड माइन्स है ये सब जगह है ठीक है अब आंध्रा में जैसे इन सब जगहों पे करनूल हो गया अनंतपुर हो गया ठीक है यहां पर क्या मिलता है आज में हमें डायमंड मिलते हैं ठीक है अब ये जो डायमंड्स डायमंड्स थे diamonds को निकाल के द ट्रेड यूज्ड टू हैपन विद द आउटसाइड वर्ल्ड सो द ट्रेड इन डायमंड वाज आल्सो अ मेजर ट्रेड हैपनिंग इन द विजयनगर एंपायर और डायमंड का जो लार्जेस्ट ट्रेड होता है ना वर्ल्ड में दैट इज हैपनिंग ऑन द केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका पे होता है सबसे ज्यादा ट्रेड जो तुम्हारी जो एक डायमंड कंपनी है विच वॉज बाय बाई रोड्स उसका नाम है डिबेयर्स हीरा है सदा के तुमने एड नहीं देखा हीरा है सदा के लिए डिबेयर्स का रोडेशिया फिर बाद में उसका नाम पड़ा जिम्बा दै वहां पर सबसे डायमंडो है डायमंड तो का जो ट्रेड है दैट वॉज अंग इन विजयनगर एम्पायर ठीक है इनफैक्ट डायमंड को लोग क्या करते थे जैसे अपने टो तो नहीं होते दो टो तो के बीच में छुपा के ले जाते थे या फिर मुंह है मुंह के अंदर सील के ले जाता है और आज भी ऐसा होता है अफ्रीका में तो क्या होता है जब तो भेड़ होती है ना भेड़ भेड़ के अंदर उसको सील देते हैं डायमंड को फिर उसको क्या पता कि अंदर क्या है इंटरेस्टिंग ठीक है चलो हाँ हाँ बस लास्ट जल्दी से खत्म करते हैं सो मेटल व मेटल एंड डायमंड metal and diamond works were important metal and diamond works were important metal and diamond works were important first of all, the the chief gold coin the chief gold coin was known as the chief gold coin was known as varaha varaha is another name for vishnu lord vishnu वरा वरा चीफ बोर्ड गॉइन्ट वॉज नोन एज वराह फर्स्ट ऑप फर्स्ट ऑप द चीफ द चीफ पोर्ट चीफ पोर्ट वाज़ प्रेजेंट द चीफ पोर्ट वाज़ प्रेजेंट इन केरला द चीफ पोर्ट वाज़ प्रेजेंट इन केरला नोन एज कनानूर स्पेलिंग इज ऑन द बोर्ड नोन एज कनानूर जिसका प्रेजेंट डे में कन्नूर Known as Kananur, और यही सेम पोर्ट है जहां पर पोर्चुगीज ने भी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी ठीक है तो ये एक मेजर पोर्ट था जहां पर विजयनगर एम्पायर का भी ट्रेड होता था और दोनों कंटेम्परेरीज थे तो मतलब साथ में मिलकर ट्रेड कर रहे थे ये मे भी ऐसा हो सकता है विजयनगर एम्पायर का ट्रेड लेकर पोर्चुगीज जाते हो उनके यहां से सामान लेके जाते हो और बाहर से सामान लेके आते हो तो पोर्चुगीज वथिंग बट द एमजॉन एंड फ्लिपकार्ट हाँ हाँ सही में खुद का तो कुछ बना नहीं रहे क्या कर रहे हैं यहां का सामान वहां यहां का सामान यहाँ तो उनकी फैक्ट्री जो होती थी उसको भी हम वेयर हाउसेस कहते थे क्योंकि तो यहां हाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था इस तरीके से ठीक है सेम पॉइंट द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर कॉटन सिल्क इसको बड़ा प्रॉपरली लिखना क्योंकि ये चीजें भी एग्जाम के अंदर अलग से पूछी जाती हैं कॉटन silk clothes comma spices spices rice spices rice iron iron sugar etc same point the art of shipbuilding the art of Shipbuilding had developed the art of shipbuilding was developed. First off first stop. Next point is next and last point is the major items of imports, the major items of imports were the major items of imports were horses, हॉर्सेस पर्ल हॉर्सेस पर्लर कॉपर कॉमा पता है क्या होता है सबको नहीं पता वेलवेट क्या होता है अमन नहीं एक सेकेंड रुक कैसे पहले चलता था वेलवेट वेन वी वर इन स्कूल उस टाइम पे वेल्वेट की ट्राउजर्स पहनना ना वो साइक की हाँ कुछ अलग है, है क्योंकि वो गीले नहीं होते थे आराम से पानी नहीं करता था उनके ऊपर हाँ तो वेलवेट के ट्रॉस कैसे अब मैं अच्छा सोफे का कपड़ा या फिर रजाई होती वो थी होती है क्विल्ट होती है जयपुरी क्विल्ट घर पे देखियो जाके मम्मी को बोलियो मम्मी घर पे जयपुरी रजाई होगी वो निकाल के अच्छा तू यहाँ पर पीछे में रहता है अच्छा जब भी घर जाएगा ना नेक्स्ट तो मम्मा को बोलियो मामा जयपुरी रजाई निकाल के दिखाओ तो जयपुरी रजाई का जो कवर होता है ना दैट इज काइंड ऑफ वेलवेट ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं यही दे पाऊंगा या फिर रोजेज होते हैं जो आर्टिफिशियल रोज़ेस होते हैं ना दे आर आल्सो समटाइम्स मेड आउट ऑफ वेलवेट या फिर हमारा हीरो रणवीर सिंह वो जो किड़े-तिरछे कपड़े पहनता है वो वो ऑलमोस्ट सारे वेलवेट के ही होते हैं मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा था लेकिन ये समझ तो नेक्स्ट टाइम देखो दिख जाएगा समझ आई वेलवेट कॉमा चाइनीस सिल्क एक्स्ट्रा चाइनीस सिल्क एक्स्ट्रा चाइनीस सिल्क एक्स्ट्रा हाँ सिल्क हम एक्सपोर्ट करते चाइनीज जो वैरायटी वेरिएंट है ना जो चाइनीज वाला सिल्क है वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सिल्क हम कर रहे हैं लेकिन क्या है कि जो बेस्ट सिल्क है उसको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट कॉमन पीपल के लिए नहीं है दैट इज इंपोर्ट फॉर द किंग ये कोट बिल्कुल पुर्तगाइज देखो उधर से पुर्तगाइज ने साउथ ईस्ट एशिया में भी कंट्रोल था उनका अगर तुझे याद हो बाद में चल के पोर्चुगीज ब्रिटिशर्स दे पोर्चुज का बेंगोल में अगर मैं इजी एग्जाम्पल दूता हूँ अंबिया देर के लिए जस्ट अंडरस्टैंड पोर्चुज इन बेंगाल सो वेन पोर्चुज इन बेंगोलिंग ट्रेड ऑल्सो इनफैक्ट देर कंट्रोलिंग फॉर हंड्रेड इज नो मैचअप फॉर द पोर्चुज ट्रेड इन पावर इन दर्ल्ड मतलब जो इतने टाइम से इस्टेब्लिश लोग थे उन्होंने खत्म कर दिया आके पोर्चुगीज ने इन लोगों क्लियर है कोई प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में आई हैव नो आइडिया आई हैव आइडिया अबाउट इंडोनेशिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं है तो आई वोट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस हाँ इंडोनेशिया में हुआ था दो कंपनीज के बीच में फाइट दैट इज बिटवीन बिटवीन ब्रिटिशर्स

सब हमने गोपुर राय हम लिख लिए हैं बुक्स लिखनी है अष्ट दिग्गज लिख लिए हैं ठीक है बस एक जो चीज नहीं लिखी हो तो मैं लिखवा देता हूं ठीक है हॉर्स 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 वॉज द मोस्ट कॉमन हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन एम ओ टी आई एफ हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन मोटिफ मोटिफ ऑन द पिलर्स ऑफ द टेम्पल द पिलर्स ऑफ द टेम्पल फुल स्टॉप राइट अच्छा एक चीज और इसके अंदर एक और एक और आइडिया लिख लो बस फिर खत्म ठीक है मेटल इमेजेस मेटल इमेजेस ऑफ के डी आर क्वेश्चन ने बनाया मेटल इमेजेस ऑफ के डी आर एंड हिज क्वींस मेटल इमेजेस ऑफ के डी आर एंड हिज क्वींस वर इंस्टॉल्ड एट Were installed at Tirupati. Were installed at Tirupati.